महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, रामनवमी पर एक बार फिर से देश के कई राज्यों में जमकर बवाल हुआ। गुरुवार दोपहर को गुजरात के बड़ौदरा से दो बार पथराव की खबरें आईं। इसके बाद शाम को बंगाल के हावड़ा और फिर इस्लामपुर में हिंसा और आगजनी हो गई। वहीं रामनवमी से ठीक पहले महाराष्ट्र के दो जिले संभाजीनगर और जलगांव में भी तनाव और हिंसा हुई। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ रामनवमी पर शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद दो समुदायों में झड़प हो गई। इसके बाद यहाँ कई वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। शरारती तत्वों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया। सड़क पर खड़े कई वाहनों को आग लगा दी गई। ये पूरी घटना हावड़ा के शिवपुर इलाके में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुँच आंसू गैस की मदद से लोगों को वहाँ से हटाया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। तो वहीं बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से भी हिंसा की खबर आई। यहां रामनवमी जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, बाद में पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। बंगाल से पहले गुजरात के बड़ौदरा से हिंसा की खबर सामने आई। यहां फतेहपुर इलाके में एक दिन में ही दो बार शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। दोपहर में शोभा यात्रा पर पथराव होता है, पुलिस मामले को शांत कराती है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से पथराव की घटना होती है और दो गुट भिड़ जाते हैं। दावा है कि पत्थरबाजी तब हुई जब राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास पहुंची। कहा जा रहा है कि पत्थर दूसरी तरफ से चले। घटना के बाद तनाव की स्थिति है, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में भी हिंसा हुई। यह मस्जिद के बाहर डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में झड़प हो गई। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं रामनवमी से पहले महाराष्ट्र का संभाजी नगर भी हिंसा की आग में दहल उठा। यहां दो युवकों के झगड़े ने हिंसा का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद संभाजी नगर में जमकर आगजनी और पथराव हुआ। उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग लगा दी। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित जानकीपुरम में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा में दो समुदाय आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच धार्मिक नारों को लेकर बवाल हुआ। देखते ही देखते एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। हालांकि पुलिस ने घटना को हल्का बल प्रयोग कर शांत करा लिया। मामले में दोनों पक्षों के करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रामनवमी पर शोभा यात्रा को लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी तनाव देखने को मिला। पुलिस ने हर साल की तरह साल भी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन कुछ संगठन शोभा यात्रा निकालने पर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने जहांगीरपुरी के सीमित इलाके से शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी।